ठीक है, तो अब बात करते हैं ट्रेन ओवरटेकिंग प्रॉब्लम की। ठीक है, अपन डायरेक्टली क्वेश्चन करने जा सकते थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि अपन ना एक ही टाइप के न्यूमेरिकल देख के उसमें से एक फार्मूला निकाल के बता सकते हैं। ठीक है, तो वही है ये ट्रेन ओवरटेकिंग प्रॉब्लम। ट्रेन एक दूसरे को ओवरटेक करते हैं, ट्रेन अपोजिट से आते हैं, ओवरटेक करते हैं, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है वो देखना है। ठीक है, देखो सबसे पहला केस, दो केस बनते हैं इसमें, पहला केस देखते हैं। केस नंबर वन, ठीक है, केस नंबर वन क्या बोलता है, एक ट्रेन है, जूम 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 जूम, इसका लेंथ क्या है, इसका लेंथ है L1। ठीक है, ये ट्रेन वन है, इसका लेंथ है L1, ये V वेलोसिटी से, V1 वेलोसिटी से इधर की तरफ दौड़ रहा है, झुक 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 झुक। ठीक है, अब दूसरा ट्रेन है, इसका लेंथ है L2, ये इधर की तरफ भाग रहा है V2 की तरफ। अरे भाई थम जा, ट्रेन टू। ठीक है, पहला ट्रेन ऐसा दौड़ रहा है, दूसरा ट्रेन ऐसा दौड़ रहा है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में पूछता है कि व्हाट इज़ द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू टू ओवरटेक ट्रेन वन, या ट्रेन वन टू ओवरटेक ट्रेन टू, ऐसा टाइप का कुछ भी पूछता है, तो तुरंत टाइम का जो फॉर्मूला है वो ऐसे लगा देना। देखो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल्स टू होगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ठीक है भाई, सही बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होगा, अगर ये इसको ओवरटेक करेगा या वो ये इसको ओवरटेक करेगा, तो डिस्टेंस टोटल कितना होगा, L1 प्लस L2। ठीक है, यही तो लिख दिया मैंने, L1 प्लस L2। ठीक है, ये डिस्टेंस होगा, वेलोसिटी क्या होगा, हाँ यहाँ हुई दिक्कत, क्योंकि यहाँ जो वेलोसिटी लगेगा वो लगेगा रिलेटिव वेलोसिटी, और रिलेटिव का साइन फंक्शन मैं तुमको बताने ही भूल गया। देखो रिलेटिव में साइन फंक्शन कैसा होता है कि अगर दो चीज़ एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो वो दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, और अगर दो चीज़ अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं तो वो एड अप होंगे। इसी को देख लो, ये ए है, ये बी है, तो रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला ए बी, वी ए बी इज इक्वल्स टू वी ए माइनस वी बी होता है, तो सब्ट्रैक्ट हुए, और इधर वी ए बी, ये ए है ये बी है, तो ये वी ए माइनस माइनस ऑफ वी बी। यहाँ माइनस ऑफ वी बी क्यों लिए, क्योंकि वी बी का डायरेक्शन इधर है, इधर लेते हैं पॉजिटिव, इधर लेते हैं नेगेटिव। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये साइन कन्वेंशन है रिलेटिव वेलोसिटी का, दोनों एक साथ चल रहे माइनस होंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहे दोनों तो प्लस हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी इसमें दोनों एक साइड से ही जा रहे हैं, तो वी टू माइनस वी वन, और क्या दोनों का मैग्नीट्यूड, यहाँ कोई माइनस का झमेला नहीं चाहिए, यहाँ सिर्फ वेलोसिटी चाहिए हमको। ठीक है, तो V2 माइनस V1 और मैग्नीट्यूड, माइनस नहीं चाहिए, नेगेटिव साइन नहीं चाहिए। तो ये है टाइम का फॉर्मूला जब दो ट्रेन एक दूसरे को ओवरटेक कर रहे हैं और एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। ये केस वन है, अब केस टू देखते हैं। ठीक है, केस टू में क्या होता है, केस नंबर टू, केस टू में क्या होता है, ये ट्रेन है, इसका लेंथ L1 है, ये V1 से दौड़ रहा है इधर, और वही ट्रेन जिस इसका भी इसका लेंथ है L2, ये V2 से दौड़ रहा है इधर। ठीक है, तो व्हाट इज टाइम टेकन बाय ट्रेन टू टू कवर ट्रेन वन। ठीक है, तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस अभी भी उतना ही होगा, L1 प्लस L2। अब साइन में फर्क आ जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन से जा रहे हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगेगा, तो V1 प्लस V2 हो जाएगा। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लग के V1 प्लस V2 और मैग्नीट्यूड हो जाएगा, प्लस V2 और मैग्नीट्यूड के अंदर सब, यह फॉर्मूला भी याद रखना। ठीक है, इन दोनों पे क्वेश्चंस आते हैं, नीट में भी आए थे, जेई में भी आए थे, इसीलिए ये दो फॉर्मूला याद रखना। आगे देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लो,
देखते हैं आप, जब बर्ड क्रॉस करता है ट्रेन को, ठीक है, बर्ड जब क्रॉस करता है ट्रेन को, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसमें भी दो केस बनते हैं, ठीक है। केस वन जल्दी जल्दी कर रहा हूँ यार इसको, ठीक है, पहले क्योंकि देख चुके। केस वन में क्या होता है, अगर कोई ट्रेन इधर जा रहा है जिसका लेंथ एल वन है, वेलोसिटी वी वन है, टाइम टाइम पूछेगा, यहाँ पे एक चिरैया है, चिरैया मतलब बर्ड है, गड़िया में हम लोग चिरैया बोलते हैं, ठीक है, ये भी इधर की तरफ जा रहा है, इसका वेलोसिटी वी टू है, ठीक है। अब क्या होता है, टाइम पूछेगा कि व्हाट इज़ द टाइम टेकन बाय बर्ड टू ओवरटेक दिस ट्रेन, तो क्या होगा, तो हो जाएगा लेंथ एल वन, क्योंकि इसका लेंथ तो लेने नहीं वाले क्योंकि ये छोटा सा रहता है एकदम, और दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो वी टू माइनस वी वन बस। और केस टू क्या होता है, केस टू होता है जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे होंगे, ये इधर जा रहा है चिरैया, इधर से इधर आ रहा है बस, और क्या, फिर उसमें क्या होता है, व्हाट इज टाइम टेकन बाय दिस टू कवर दिस, तो क्या हो जाएगा एल वन बाय वी टू प्लस वी वन मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो अब यार क्वेश्चंस देखते हैं, इतना हो गया फॉर्मूला फॉर्मूले का बात, रिलेटिव वेलोसिटी का बात, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, ये रिलेटिव एक्सेलरेशन का बात, अब देखते हैं क्वेश्चंस। यार बात करते हैं अब कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की, ठीक है, चलो देखते हैं क्या है। एक ट्रेन जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, और उसके ऊपर है एक बंदर जो कि दौड़ रहा है 3 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से उस ट्रेन के रेस्पेक्ट में, ठीक है, ऐसे दौड़ रहा है ऐसे। ये ट्रेन तो चल ही रहा है, उस ट्रेन के ऊपर बंदर भी चल रहा है, ठीक है, ठीक है भाई। और सामने से आ रही है एक कार जो कि 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार में ऐसा करके। व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रेस्पेक्ट टू कार, मंकी का वेलोसिटी पूछा है विद रेस्पेक्ट टू कार, इस कार के रेस्पेक्ट में मंकी का क्या वेलोसिटी होगा वो बताना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं भैया, तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन इज इक्वल्स टू है 3, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन कितना है 20, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ मंकी निकल जाएगा, ठीक है, कैसे निकलेगा, वेलोसिटी ऑफ मंकी इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ मंकी ट्रेन विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इज इक्वल्स टू हो जाएगा 20 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 23 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो मतलब वेलोसिटी ऑफ मंकी सिर्फ निकाले ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, मतलब किसी के रेस्पेक्ट में नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है, तो 23 मीटर पर सेकेंड से वो दौड़ रहा है अकेला, ठीक है। अब ये जो कार है सामने से आ रहा है, व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रेस्पेक्ट टू कार, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रेस्पेक्ट टू कार हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ कार। वेलोसिटी ऑफ मंकी दिया है 23 माइनस वेलोसिटी ऑफ कार है 10। यहाँ पे आता है ट्विस्ट, अपन कहीं भी कुछ भी करते हैं सबसे पहले अपने को साइन कन्वेंशन देखना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बताया था कि इस तरफ जाओगे पॉजिटिव लगाओगे, इस तरफ जाओगे नेगेटिव लगाओगे, तो माइनस ऑफ माइनस 10, तो 23 प्लस 10 हो जाएगा ये, जो कि होता है 33। अब भी गलत कर देते 13 करके, समझ गए। तो ये होगा ये मंकी का एक्चुअल वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में, इस कार के रेस्पेक्ट में, ठीक है, 33 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है बिंद्रा, ठीक। अगला देखते हैं ये वाला, ठीक, इसमें क्या बोल रहा है, एक ट्रेन है जो 110 मीटर का है, 20 मीटर पर सेकंड से जूम 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 करके दौड़ रहा है उधर ऐसा, और सामने से आ रहा है 90 मीटर वाला 5 मीटर पर सेकंड से ऐसा 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 ऐसा। फाइंड द टाइम दे क्रॉस ईच अदर, टाइम पूछा है, अरे यार इसका तो तुमको फॉर्मूला लिखवाया नहीं था क्या, वही तो है, 110 प्लस 90 बाय ये इसमें प्लस हो जाता है ऑपोजिट से आ रहा करके, तो 25, तो 200 बाय 25 इज इक्वल्स टू 8 मीटर, नहीं टाइम है तो सेकेंड, 8 सेकेंड, 8 सेकंड में ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है।
अगला देखते हैं यार, जेई 2019 का एक क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि दो ट्रेन है, ठीक है, दो केसेस दिया हुआ है, ठीक है, दोनों का टाइम पीरियड का रेशियो पूछा है, ठीक है। पहले दो ट्रेन, एक 60 मीटर का 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इधर जा रहा है, ठीक है, और 80 मीटर वाला 30 किलोमीटर पर आवर से इधर जा रहा है, ठीक है। इसमें जो टाइम पीरियड लगेगा, ठीक है, और इसमें जो टाइम पीरियड लगेगा, उन दोनों टाइम पीरियड्स का जो रेशियो है वो पूछा है इसमें, ठीक है। तो देखते हैं इसको, पहले T1 में कितना टाइम लगेगा, L1 प्लस L2 अपॉन कौन किसको पास करे, ठीक है, तो V2 बाय V1 मतलब 120 बाय 30 मैग्नीट्यूड। T2 कितना है, T2 है L1 प्लस L2 भी तो दिया हुआ है, इसको भी डाल देते हैं, ये कितना है 60 प्लस 80, और ये दोनों अपोजिट है मतलब प्लस होगा, तो 60 प्लस 80 बाय 150, ठीक है। तो ये हो जाएगा T1 बाय T2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 11 बाय ये तो कट जाएगा, और ये 190 बचेगा, तो 3 5 3 3 5 बाय 3, कैसे आया बता रहा हूँ, हाँ ये 90, ये 60 प्लस 80 बाय 90, और ये 60 प्लस 80 बाय 150, ये कट गया 150 ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 5 बाय 3, ये है टाइम का रेशियो, ठीक ठीक।